नमस्कार, मैं अभय वसंत सावंत। camzia.com की बेसिक ऑफ फोटोशॉप इस डीवीडी में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। फोटोशॉप ये एक कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन फोटोशॉप एडिटर्स के लिए सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है। अगर आप फोटोग्राफर है तो आपकी फोटोग्राफी को एक अलग स्तर पर ले जाने के लिए फोटोशॉप की जरूरत पड़ती ही है। अब आपके जहन में ये सवाल उगा होगा कि फोटोशॉप की शुरुआत कब हुई, तो फरवरी 1990 में फोटोशॉप का पहला वर्जन ये मैक्स के लिए तैयार हुआ और फोटोशॉप 2.5 ये नवंबर 1992 में लॉन्च हुआ। फोटोशॉप का सबसे मशहूर वर्जन अगर कोई होगा तो वो है फोटोशॉप 7। फोटोशॉप 7 के बाद फोटोशॉप CC3 बहुत मशहूर हुआ और अब जो चल रहा है फोटोशॉप CC, ये तो हिट है। अगर हमने पहले के टूलबॉक्स देखे और अब के टूलबॉक्स देखे, अब जो आपको स्लाइड दिख रही है उसमें आपको इन टूलबॉक्स में बहुत सारा डिफरेंस दिखाई देगा, पर अगर गौर से देखोगे तो जो टूलबॉक्स में टूल है वो आज भी जो नया फोटोशॉप CC है उसके टूलबॉक्स में भी आप देख पाओगे। हुआ यूं कि वो टूल्स जैसे थे वैसे ही रखे गए और उनमें नए नए मॉडिफिकेशंस किए गए। इस स्लाइड में आप देख पाओगे कि फोटोशॉप के आइकॉन्स किस तरह से बदलते गए, फोटोशॉप के वर्जन के अनुसार फ्लैश स्क्रीन किस तरह से चेंज हुई, ये आप इस स्लाइड के जरिए देख पाओगे। फोटोशॉप आज तकरीबन 25 भाषाओं में उपलब्ध है, उसके 10 मिलियन यूजर है। 10 मिलियन यूजर्स, मतलब आप सोच सकते हो कि फोटोशॉप कितना मशहूर है और उनमें से 90% डिजिटल आर्टिस्ट है। फोटोशॉप ये दुनिया का सबसे एडवांस डिजिटल इमेजिंग सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कौन करता है, तो फोटोग्राफर्स, डिजाइनर्स, वेब डिजाइनर्स और डिजिटल फोटोग्राफर्स। फोटोशॉप CC ने जो फोटोग्राफर्स है और जिन्हें फोटोग्राफी की हॉबी है उनको टारगेट किया है और एडोब फोटोशॉप लाइट रूम उसके साथ फ्री दिया है, एलिमेंट ये सॉफ्टवेयर दिया है। टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए एडोब ने एडोब फोटोशॉप मिक्स, फोटोशॉप स्केच, वैसे ही लाइट रूम मोबाइल एप्लीकेशन हमें दिए हैं जो टच स्क्रीन से ऑपरेट होते हैं। जिन्होंने इसे सब्सक्राइब किया है के लिए ये पूरी तरह से फ्री है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।